हेलो जी, मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल सारिआं नूं। गोमाटी चैनल दे विच मेरीआं भैणां ते मेरे वीरां दा स्वागत आ। हाँ जी, अज आपां बनावांगे रायते वाली बूंदी। बहुत ही आसान आ, बहुत ही सौखे तरीके दे नाल आपां चटपटी करारी मसालेदार रायते वाली बूंदी है जिहड़ी आपां घर ही बना के तैयार करांगे। बहुत ही घट समान की लोड़ आते, बहुत ही घट टाइम मेहनत की भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बहुत सौखे तरीके दे नाल आपां घर ही बना के तैयार कर सकते हैं। रायते वाली बूंदी बना के घर रख सकते हैं। तो इस दी हमेशा ही आपां जिहड़ी घर दे विच लोड़ पैंदी रहिंदी आ रायते वाली बूंदी दी, तो इहनूं आपां अज बहुत ही सौखे तरीके दे नाल बना के तैयार करांगे। उम्मीद करदे आं कि अज दी मेरी वीडियो तुहानूं जरूर पसंद आऊगी। चलो फिर आपां तैयारी करदे आं, शुरू करदे आं। हाँ जी, मैं एक कौली बेसन लिया है। तुसी अपने हिसाब दे नाल ले सकते हैं जिन्नी तुसी बनाउणा चाहुंदे आ। मैं एक कौली बेसन दी लई आ, ते ए आपां जिहड़ी बराबर पानी नहीं लैणा, ते पौनी कौली कहिंदा मतलब पौनी कौली जिहड़ी आपां पानी दी लैणी आ इहदा घोल बनाउण वास्ते। ना तां इहदा घोल आ जिहड़ा आपणा गाढ़ा होना चाहीदा, ते ना ही बाला पतला होना चाहीदा। एक चमच जिहड़ा मैं लूण लिया, थोड़ी जी हल्दी लई आ, ते ये आपां लई आ कस्तूरी मेथी, ते हुण आपां इहनूं मिक्स करांगे चंगी तरह। ते इहदे विच आपां थोड़ा थोड़ा पानी पा के घोल आ जिहड़ा आपां इहदा तैयार करांगे। अद्धी कौली तों उपर आ जिहड़ा आपणा पानी लग जाणा। जे तुसीं दो कौलियां बेसन दीआं लौंगे तां तुहाडा डेढ़ कौली पानी लग जूगा। ते ये आपां पौनी कौली जिहड़ी अपनी पानी दी लग जाणी आ, बराबर तों थोड़ा जिहा घट पानी लगेगा जदों आपां घोल बना के तैयार करना। घोल आ मैं तुहानूं बना के दिखाउणी आ किस तरह दा आपां नूं घोल चाहीदा है। ना तां बहुता ये पतला होना चाहीदा। आ देखो, इस दी जिहड़ी धार बननी चाहीदी आ, जिवें धार बन के थल्ले ड्रॉप बन रहे आ ना, इस तरह दी आपां नूं जिहड़ी इह बेसन दा जिहड़ा घोल चाहीदा। क्रिस्पी बनाउण वास्ते आपां एक चमच जिहड़ा रिफाइंड लै लिया, इहनूं आपां चंगी तरह फेंट लैना। विच जदों आपां घोल नूं फेंटना, इहनूं 5 तों 8-10 मिंट तक चंगी तरह फेंट लो घोल नूं, तां कि जिहड़ी अपनी बूंदी आ गोल गोल बन के तैयार हो जावे। इहनूं 8-10 मिंट तक इसे तरह फेंटी जाणा चमचे दे नाल। ते फिर इहदे नाल की आ जिहड़ा इह बेसन आ उहदा जिहड़ा हौला हो जांदा है, ते फुल्लण लग जांदा, ते उह बूंदी आ जिहड़ी अपनी गोल गोल बन जांदी आ। इहनूं हुण मैं 10 मिंट तक रेस्ट ते रखूंगी। तो इधर अपना कढ़ाई दे विच जिहड़ा तेल गर्म होण लई रख्या सीगा, ते मैं तुहानूं समान दिखाउणी आ जो अपने घरां दे विच हुंदा है। ये जाली आ अपनी पकौड़े कढ़न वाली, ते ये अपने कोले मोटी जाली आ, इहदे नाल मोटी बूंदी बणूगी। ते एक अपने कोले जाली होर आ जिहदे च आपां सब्जी सुब्जी कट के धो लैणे आ बरीक इहदियां मोरियां। ते इस तरह दे कोई भी अपने घरां दे विच आम ही जिहड़ा समान हुंदा, ते आपां उहदे तों जिहड़ी बूंदी बना के तैयार कर सकदे आ। लओ जी, तेल आ जिहड़ा अपना गर्म हो गया, आपां चैक कर लैणे आ। आ देखो, गोल गोल बन गई आ बूंदी, ते हुण आपां जिहड़ी बूंदी बनाउणी शुरू करदे आ। तेल जिहड़ा अपना पूरा गर्म होणा चाहीदा। पहला तेल नूं पूरा गर्म कर लो, उस तो बाद जिहड़ा है उहनूं मीडियम सेक कर लो। ते हुण मैं तुहानूं बना के दिखाउणी आ। इहनूं आपां उच्चा रखणा है कढ़ाई तों। आ देखो, इन्ना उच्चा जिहड़ा आपां जाली नूं उपर रख लैणा, तां कि जिहड़ी अपनी कल्ली कल्ली बूंदी जिहड़ी बण के ड्रॉप आ जिहड़े बण के बाहर आउण ते फ्राई होण। आ देखो, इहनूं हल्का हल्का टच करना, ते सेंटर दे विच ही जिहड़ी आपां झारनी रखणी आ, किसे पासे उहनूं हिलाउणा नहीं आ, गांह पिछाह नहीं करना, ते हल्का हल्का जिहड़ा उहनूं टच करना है, तां कि वी जिहड़ी बूंदी आ वी जे नहीं गिरदी तां ते उह जिहड़ी वी गिर जावे विच ऑयल दे विच। ते इहनूं सेक आ जिहड़ा सिर्फ 1/2 मिंट ही जिहड़ा, पूरा मिंट सेक तां आपां लवाउणा नहीं, 30 सैकिंड वास्ते ही जिहड़ा आपां इहनूं फ्राई करना हुंदा। बहुत जल्दी जिहड़ी इह फ्राई हो जांदी आ, ज़्यादा नहीं इहनूं आपां सेक, नहीं तां फिर इह सड़ जूगी। मीडियम सेक कर लो, हा जदों पहलां अपना पूरी तरह तेल गर्म आ तां फिर जिहड़ा उहनूं सेक नूं घटा दो। हुण आपां अगला बैच इसे तरह ही बना लैंदे आ। आ देखो,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਰਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੂੰਦੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੂੰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਣ ਦੇ ਘੋਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਘੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੂੰਦੀ ਉਹ ਗੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੂੰਦੀ ਪਤਲੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਪਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੇ ਗਾੜੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੌੜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲੂਗੀ ਬੂੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਹੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬੂੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਬੂੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਟਪਟਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਬੂੰਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬੂੰਦੀ ਬਣੀ ਆ ਰਾਇਤੇ ਵਾਲੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਪਾਊਂਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਰਾਪਨ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਟਪਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਰਾਇਤੇ ਵਾਲੀ ਬੂੰਦੀ, ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ।